नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफिक फिल्म्स बनाने का और इससे पैसे कमाने का आरोप लगा है। राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का आरोप है कि पोर्नोग्राफिक फिल्म्स बनाकर उसे ऐप के जरिए पब्लिश करने के मामले में राज कुंद्रा शामिल है। इस काम में राज कुंद्रा ने लाखों करोड़ों की कमाई की है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुंबई में स्थित राज कुंद्रा के वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दफ्तर पर छापा मारा और इस दौरान उन्होंने कंप्यूटर की कुछ हार्ड डिस्क और सर्वर भी जब्त किए हैं। राज कुंद्रा एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। वो बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति भी हैं। शिल्पा से उनकी ये दूसरी शादी है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। वो रात करीब 9 बजे क्राइम ब्रांच के भाईकला दफ्तर पहुंचे। 2 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया रात करीब 11 बजे। इसके बाद सुबह 4 बजे उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया और 4:15 बजे उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर ले जाया गया। 20 जुलाई को राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 23 तारीख तक के लिए उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में पुलिस की तरफ से अभियोजन पक्ष ने कहा, राज कुंद्रा अपनी ऐप हॉटशॉट के जरिए अश्लील वीडियो की डीलिंग करते थे। जब गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने उमेश कामत का नाम लिया और राज कुंद्रा के पूर्व पीए उमेश कामत ने पुलिस को राज कुंद्रा के शामिल होने के बारे में बताया। राज कुंद्रा ने कोर्ट में कहा कि वो ये कंपनी $25,000 में बेच चुके हैं और अब इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अगर ये बात सच है तो फिर इस कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में राज कुंद्रा इतने एक्टिव क्यों है? वो हर स्ट्रेटजी में शामिल क्यों दिखाई देते हैं? पुलिस ने कहा कि कंपनी की ग्रुप चैट से साफ होता है कि हर फैसले में राज कुंद्रा काफी एक्टिव रहते हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में पता चला है कि राज कुंद्रा नियमित रूप से इस ऐप के वित्तीय लेनदेन के बारे में अपडेट ले रहे थे। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जिसके वो एडमिन थे। इस ग्रुप में वो हॉटशॉट की क्लिपिंग से संबंधित वितरण और वित्तीय लेनदेन के बारे में चर्चा करते थे। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के मामले में तमाम और आरोपियों के अलग अलग बैंक अकाउंट्स के 7.5 करोड़ रुपए भी फ्रीज कर दिए हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश फरवरी में ही शुरू कर दी थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अश्लील फिल्में बनाने वाले एक गिरोह के खिलाफ सुराग ढूंढ रही थी। इसी दौरान राज कुंद्रा का नाम सामने आया और इसी के चलते 4 फरवरी 2021 को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मालवानी पुलिस थाने में राज कुंद्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा तो फरवरी में ही दर्ज हो गया, लेकिन ये मामला संगीन था और क्राइम ब्रांच को एक ऐसे पुख्ता सबूत की जरूरत थी जिससे राज कुंद्रा बेनकाब हो सके। क्राइम ब्रांच ये साफ तरीके से जानती थी कि बिना पुख्ता सबूत के राज कुंद्रा पर हाथ डालना बेहद मुश्किल होगा। तफ्तीश में मुंबई क्राइम ब्रांच को कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे जिससे साफ तौर पर इशारा हो रहा था कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले के मुख्य साजिशकर्ता हो सकते हैं। अश्लील फिल्में बनाने वालों की छानबीन में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल को एक गुप्त सूचना मिली। मलाड पश्चिम के मडगांव में एक किराए पर लिए गए आलिशान बंगले में अश्लील फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस सूचना के आधार पर प्रॉपर्टी सेल ने अपनी टीम के साथ उस बंगले पर छापामारी की। टीम ने मौके पर देखा कि एक न्यूड वीडियो की शूटिंग चल रही है। छानबीन और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये शूटिंग मोबाइल एप्लीकेशन के लिए की जा रही है जिस पर अश्लील वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इन वीडियोस को देखने के लिए पैसे देकर मोबाइल एप्लीकेशन की सदस्यता लेनी पड़ती है। पूछताछ में सामने आया कि इस गिरोह के पास कुछ और मोबाइल एप्लीकेशन भी हैं। इन्हीं में से एक ऐप में राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया। इसके अलावा कई मॉडल्स और अभिनेत्री भी राज कुंद्रा को लेकर इस मामले में शिकायत कर चुकी हैं, खासकर पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा। शर्लिन चोपड़ा ने तो यहाँ तक कहा था कि वो राज कुंद्रा की वजह से पोर्न इंडस्ट्री में आ गई। मॉडल और एक्ट्रेस सागरिका शोना सुमन ने आरोप लगाया कि राज कुंद्रा के पीए उमेश कामत ने उन्हें पोर्न फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। वीडियो कॉल के जरिए उनका ऑडिशन लिया गया और उन्होंने न्यूड ऑडिशन देने की बात कही जिससे सागरिका ने इनकार कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में सजा का क्या प्रावधान है। इस मामले में आईटी एक्ट 2009 की धारा 67A और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। अपराध की गंभीरता के आधार पर पहले अपराध में 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि एक और अपराध के लिए कारावास 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। राज कुंद्रा के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है। उनका जन्म लंदन में हुआ था। उनके पिता पंजाब के रहने वाले थे जो लंदन में एक बस कंडक्टर का काम करते थे। 18 साल की उम्र में राज कुंद्रा ने अपना घर छोड़ दिया। वो दुबई आ गए, फिर वो नेपाल आ गए और वहाँ उन्होंने पश्मीना शॉल का बिजनेस शुरू किया।
29 साल की उम्र में ब्रिटिश में रहने वाले सबसे अमीर एशियाई व्यक्तियों की लिस्ट में वो 198 नंबर पे थे। इससे पहले भी राज कुंद्रा कई तरह के विवादों से जुड़े रहे हैं। 2013 में आईपीएल में सट्टेबाजी के मामले में बीसीसीआई ने उनकी टीम पर 2 साल का बैन लगा दिया था। फिर 2015 में बीसीसीआई ने राज कुंद्रा पर आजीवन बैन लगा दिया। 2015 में ही शॉपिंग टीवी मामले में भी राज कुंद्रा का नाम सामने आया। इस समय आरोप ये था कि उन्होंने लोगों की सैलरी नहीं दी है और कई लोगों का बकाया कर्ज भी नहीं चुकाया है। बिटकॉइन मामले में भी ईडी ने राज कुंद्रा से पूछताछ की थी। ये पूरा मामला 2000 करोड़ रुपए का था। ईडी की पूछताछ में सामने आया था कि राज कुंद्रा के अलावा कुछ और फिल्मी सितारे भी इस तरह की स्कीम को प्रमोट करते नजर आ रहे थे। राज कुंद्रा केस के मामले में और हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।